हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में, ऐसे हिस्टोरिकल फिगर के बारे में जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से बैकआउट किया था क्योंकि किसानों के अगेंस्ट बिल पास किया जा रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाने वाले, साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो आज हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की बायोग्राफी को स्टडी करेंगे, काफ़ी सारे नए फैक्ट आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके पहले मैंने 20 जो फ्रीडम फाइटर या फेमस हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं उन्हें मैंने कंप्लीट किया है, अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी फॉर अपकमिंग एग्जाम। अपने तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को सजेशन दूंगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। हमारा SSC कोर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परचम के एप्लीकेशन पे। आप इसे परचेज कर सकते हो, बस आपको पूजा10 कोड का यूज़ करना है जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज हम बात करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जी मॉडरेट जो विंग था उससे बिलोंग करते थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था जब इसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था तो 1885 से 1905 तक जो मॉडरेट थे मतलब नरम दल के जो लीडर थे उनका दबदबा कांग्रेस में था, और फिर 1905 के बाद जब सूरत स्प्लिट हो जाता है और उसके बाद गरम दल जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका दबदबा आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखने को मिलता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो एक मॉडरेट विंग से बिलोंग करते थे, नरम दल के नेता थे और प्रो ब्रिटिशर्स थे आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता था कि जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में डेवलपमेंट किया है वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम पॉलिसीज़ के हिसाब से चलेंगे और अपनी जानकारी उनको देंगे, बताएंगे कि हमारी सोसाइटी में कैसे कानून की ज़रूरत है, उस हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बनाएगी और हम भी, हमारा देश भी जो है एक दिन बहुत प्रोग्रेसिव होगा, बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा इनका कहना था। मतलब ये कहीं से भी फेवर में नहीं थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे देश को छोड़ कर जाएं, बस इतना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत की समस्याओं को समझें और इस हिसाब से कानून बनाएं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक बहुत ही शानदार इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। जब इनका बजट भाषण आता था, बजट स्पीच जब आती थी इनकी न्यूज़पेपर में, तो उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए अखबारों के दफ्तरों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी होती थी कि कब बजट भाषण की स्पीच को हम पढ़ सकेंगे। तो इतने ही शानदार इकोनॉमिस्ट थे, तो ब्रिटिशर्स भी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग भी जो थे वो इनसे डरा करते थे, भय खाते थे, क्योंकि जब ये बोलना शुरू करते थे कुछ अपशब्द नहीं बोलते थे, गलत बातें नहीं करते थे, किसी को मारते नहीं थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करते थे, लेकिन जब ये बोलते थे तो जनता उनको सुनती थी। तो इस बात का बहुत डर था कि जब ये बजट भाषण को लेकर आएंगे तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करेंगे, ब्रिटिशर्स के रिवेन्यू सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे, तो ब्रिटिशर्स डरती थी, इसलिए इन्हें मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल इन कंट्री कहा है गोपाल कृष्ण गोखले जी को लॉर्ड हार्डिंग ने। बात समझ में आ रही है, आइए इनकी पहले अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं, फिर इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करेंगे, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और अंत में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनका जन्म 9 मई 1866 में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, प्रेजेंट महाराष्ट्र में होता है। उस समय ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो हमें यहाँ से जानकारी मिलती है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। 9 मई को 1866 में इनका जन्म होता है। इनके फादर कृष्ण राव जी थे जो कि एक फार्मर थे, किसान थे, लेकिन उस समय टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था किसानों को, तो किसानी से इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और फिर कुछ समय बाद इनके फादर ने खेती करना छोड़ दिया था और फिर क्लर्क की नौकरी करने लगे थे, क्योंकि जीवन यापन भी तो करना है। इनकी माता एक हाउसवाइफ थी और इनका नाम बालूबाई था। ठीक है, अब बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके पेरेंट्स चाहते थे कि ये अच्छी एजुकेशन लें, इंग्लिश एजुकेशन लें, जिससे कम से कम ब्रिटिश अधिकारियों के अंतर्गत एक एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार ये प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमेशा एक पेरेंट्स का यही होता है कि हम अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा देंगे जिससे कल को उन्हें एक नौकरी मिलेगी और नौकरी के बाद वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, यही एक गोल होता है। कोई ये नहीं सोचता है कि इनके पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा तो कल को ये फ्रीडम स्ट्रगल में सहयोग करेगा। इनका भी सिंपल साधारण फैमिली से है, इतना ही सोच रहे हैं कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, जिससे कम से कम वो ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट ले सके और ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर सके।
इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, पहले ये कोल्हापुर के स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन के लिए गए और फिर हायर एजुकेशन के लिए बॉम्बे जाते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोल्हापुर जाते हैं और फिर हायर एजुकेशन के लिए बॉम्बे जाते हैं और बॉम्बे से ग्रेजुएट की डिग्री लेते हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट करते हैं? बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज से 1884 में। मैं आपको बता दूँ कि ग्रेजुएट होने वाला ये इनका पहला बैच है, क्योंकि उस समय इतनी अच्छी कंडीशन एजुकेशन लेवल भारत का नहीं था कि सारे भारतीय ग्रेजुएट हो रहे हों, सारे भारतीयों के पास डिग्री हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप कहेंगे कि ये उन पहले बैच के मेंबर हैं जो कि इंडियन मेंबर है जो कि ग्रेजुएट हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इनको जो प्रेरणा दी थी, मतलब इन्हें जिन्हें इंस्पायर किया था या जिन्हें गाइडेंस दिया था गोखले जी को, वो थे एक बहुत ही शानदार फिलोसोफर जिनका नाम था चक्रप्पन। और उन्होंने ही इन्हें कहा था कि आपको बॉम्बे के एलिफेंस्टो कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद 1884 में ये ग्रेजुएट होते हैं। गोखले वॉज रिपोर्टली वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट ग्रेजुएशन, तो इस बात को भी जानना है हमें। अब ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये पुणे के स्कूल में टीचर हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, कहाँ पर? फर्गुसन कॉलेज जो कि पुणे में है, और 1902 तक वहाँ पर ये पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं महादेव गोविंद रनाडे जी से। तो आप कह सकते हैं कि इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के, वो महादेव गोविंद रनाडे हैं। कुछ लोग इन्हें आश्रित बेटा ऑफ गोविंद रनाडे जी का भी बोलते हैं। तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए और फिर पॉलिटिक्स में या फिर राजनीति में इन्होंने अपना हाथ अजमाया और राजनीति में इन्होंने एंट्री ली। किसके इन्फ्लुएंस से ली? तो जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के इन्फ्लुएंस से इन्होंने जो है वो राजनीति में एंट्री कर दी, ठीक है। गोखले जी जो थे वो इंग्लिश की स्टडी तो कर ही रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे, सब कुछ कर ही रहे थे, लेकिन बहुत ऐसे फिलोसोफर हैं जिनकी इन्होंने फिलोसफी को पढ़ा है, समझा है और बहुत इंस्पायर हुए हैं, जिनमें से यूके और आयरलैंड के दो फिलोसोफर के नाम हमको देखने को मिलते हैं जिनकी थ्योरी से काफ़ी इंस्पायर थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। एक है जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि ब्रिटेन के या कह सकते हो इंग्लैंड के एक इंग्लिश फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और दूसरे हैं एडमंड बर्क, और ये आयरलैंड के फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो इनकी थ्योरी से काफ़ी इंस्पायर थे। गोखले जी की शादी जो है वो सावित्री बाई जी से होती है 1880 में। लेकिन सावित्री बाई बचपन से ही किसी बीमारी से ग्रसित होती हैं जिसके कारण इनका देहांत जल्दी हो जाता है, निधन हो जाता है, और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी दूसरी शादी करते हैं, रीमैरिज करते हैं 1887 में। और कुछ समय बाद उनकी जो सेकंड वाइफ होती है उनकी भी डेथ हो जाती है, जिनसे उनको दो डॉटर होती हैं, दो पुत्रियाँ होती हैं, लेकिन फिर से दोबारा शादी नहीं करते हैं। तो ये तो इनकी अर्ली लाइफ हो गई, जो हमने देखी कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 9 मई को इनका जन्म होता है। जन्म एक गरीब परिवार में होता है, प्राइमरी एजुकेशन कोल्हापुर से ले ली, हायर एजुकेशन के लिए बॉम्बे आ गए, बॉम्बे के एलिफेंस्टो कॉलेज से इन्होंने एजुकेशन ली, 1884 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली, और ग्रेजुएशन की डिग्री पाने वाले ये पहले इंडियन बैच के मेंबर थे, ठीक है। इसके बाद पुणे के जो फर्गुसन कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, 1902 तक इन्होंने पढ़ाने का काम किया। उसके बाद ये इन्फ्लुएंस हो गए हैं महादेव गोविंद रनाडे जी से, अपना पॉलिटिकल गुरु उन्हें माना है, और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री भी कर ली है। पॉलिटिक्स में एंट्री के साथ साथ ये जो फिलोसोफर है ब्रिटेन के और आयरलैंड के, उनके फिलोसफी से और उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी अर्थशास्त्र की विचारधारा से काफ़ी इंस्पायर है, इसलिए इनके बजट के भाषण इतने शानदार होते थे कि ब्रिटिशर्स उनसे घबराते थे, डरते थे, और उनकी स्पीचेस को पढ़ने के लिए अखबारों के दफ्तरों के सामने लंबी लाइन होती थी, लोग खड़े होते थे कि कब वो बजट स्पीच जो है वो अखबार में प्रिंट होकर आएगी और हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीशिप पेशन के बारे में। हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1889 में ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को गोखले जी ज्वाइन कर लेते हैं। इनके जो मेंटर होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, एमजी रनाडे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी एक मॉडरेट ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, मॉडरेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं मतलब नरम दल की विचारधाराओं से, इसलिए आप देखेंगे इनके पूरे जीवन काल में तिलक जी और गोखले जी हमेशा इन लोगों के बीच में जो आइडियोलॉजी का डिफरेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा, विचारधाराओं का डिफरेंस आपको हमेशा पूरी इनकी जर्नी में देखने को मिलेगा। हालांकि गोखले जी और तिलक जी के विचारधाराओं में सिर्फ डिफरेंस था, आइडियोलॉजी डिफरेंस था, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र भी थे। इस बात को भी आपको समझना होगा कि दो दोस्त हो सकते हैं अगर उनकी आइडियोलॉजी में डिफर हो, क्योंकि दोनों देश को आज़ाद कराना चाहते हैं लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से चाहते हैं। तिलक जी चाहते हैं कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के जाएं और हमारा भारत है, हम कानून बना लेंगे और हम संभाल लेंगे,
लेकिन अंग्रेजों के साथ तो हमें नहीं रहना है। गोखले जी का कहना था कि हम भारत में सोशल रिफॉर्म करेंगे, भारत के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स की मदद से। मतलब गोखले जी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जाएं और तिलक जी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जाएं, लेकिन दोनों ही तो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहे थे, बस आइडियोलॉजी का डिफर था। इसलिए आप देखेंगे पूरी इनकी यात्रा में, पूरी इनकी जर्नी में गोखले जी और तिलक जी का आमना सामना कई बार हुआ है और दोनों की बातें एक दूसरे से कॉन्ट्रोडिक्ट रही हैं, आइडियोलॉजी में डिफरेंस रहा है, और यही रीज़न था कि सूरत स्प्लिट आपको 1907 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो उस समय जो असेंबली लगती थी वो भारत में तो लगती नहीं थी, असेंबली लगती थी इंग्लैंड। तो कई बार इन्होंने इंग्लैंड का दौरा और अफ्रीका और दूसरे देशों की यात्राएं भी की हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा। 1899 से 1902 तक ये मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं। उसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर 1902 से टिल डेथ रहे। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, मतलब आपको काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करने के लिए बार बार इंग्लैंड जाना होगा, इसलिए इंग्लैंड की कई सारी यात्राएं इनके द्वारा की गई हैं 1902 से 1915 तक। अब 1902 से 1915 तक इसी बीच में कहीं पर इनकी मुलाकात आप देखेंगे गांधी जी से भी होगी, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एट द इंपीरियल लेजिस्लेटर गोखले प्लेड अ की रोल इन अ फ्रेमिंग द मोंटे मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। तो हमें पता है कि मोंटे मिंटो रिफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, 1909 में आता है। ठीक है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था की जाती है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे मुस्लिम बहुल लोग रहते हैं, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर सेपरेट इलेक्शन की बात भी मार्ले मिंटो रिफॉर्म में की जाती है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म की काफ़ी सारी जो इसको लाने में की रोल प्ले किया है वो गोखले जी ने किया है, लेकिन गोखले जी ऐसा नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था हो। गोखले जी एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना चाहते थे। ठीक है, गोखले जी जो थे वो चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भारत का रिप्रेजेंटेटिव बढ़े, भारत लोगों की संख्या को बढ़ाया जाए। इस तरीके से उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी और ये सारी बातें आपको मोंटे मिंटो रिफॉर्म में भी देखने को मिलती है 1909 में। ठीक है, अब देखिएगा, अब इन्होंने तो INC ज्वाइन कर लिया 1889 में, और यहां से अब कहानी शुरू होती है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जी के कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी सेक्रेटरी भी थे सार्वजनिक सभा के पुणे में 1890 में, तो सचिव के रूप में भी इन्होंने सार्वजनिक सभा में 1890 में काम किया है। 1893 में गोखले जी सेक्रेटरी बनते हैं बॉम्बे प्रोविजनल कॉन्फ्रेंस के, और उसके बाद इन्हें जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो एक व्यक्ति आप उसकी पहुंच समझ सकते हो, उसकी विचारधारा समझ सकते हो, उसकी पावर समझ सकते हो, जिसे उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा हो। तो 1895 में ये जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के विथ तिलक। तो देखिए, तिलक और गोखले जी दोनों जो हैं वो एक ही सीट पर है, एक ही नाव पे सवार है, दोनों के दोनों जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, गोखले जी बिलीव इन वर्किंग विद अ कॉलोनियल गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म इन द सोसाइटी। वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारी बातें समझाएंगे, हम लेटर लिखेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, हम इंग्लैंड जाएंगे, अपनी बातें लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट समझेगी और भारत के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो ब्रिटिशर्स का रहना भारत में ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम उन्नति कर पाएंगे, ऐसा गोखले जी का सोचना था। ठीक है, गोखले जी ने भारत में एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी कोशिशें की, इसलिए 1905 का वो दौर था जब बंगाल का पार्टीशन भी हो रहा था, और 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए की। इन्होंने लैंड रिवेन्यू पॉलिसी में चेंज करने की बात की। इन्होंने कहा कि जो ज़मीन, अब किसानों के पास ज़मीन के अलावा क्या है ना, आप उस पर भी हाई टैक्सेस लेते हैं, तो ज़मीन पे जो अधिकार होना चाहिए वो किसानों का अधिकार होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने बात की। प्राइमरी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर बात की, और जो बाल विवाह होता है उसके ऊपर चर्चा की। जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट अगर आप देखेंगे तिलक जी और गोखले जी के बीच में होता है वो कब होता है, वो होता है जब कंसेंट बिल को पास किया जाता है। कंसेंट बिल मतलब महिलाओं की जो विवाह की एज होती है ना, उसके लेके कंसेंट बिल को जब 1891-92 में पास किया जाता है, तो इसकी दोनों गुट अलग अलग हो जाते हैं। मतलब गोखले जी की बातें होती हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस बिल को लाती है, और गोखले जी उस बिल को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, कंसेंट एज होनी चाहिए महिलाओं के लिए भी विवाह की, कम उम्र में विवाह नहीं किया जाना चाहिए, शादी नहीं किए जानी चाहिए। लोकमान गंगाधर तिलक जो थे वो आप उनकी विचारधाराओं को समझेंगे, आप उनकी बायोग्राफी को भी एक बार रिवील कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आप जान पाएंगे कि वो सोशल रिफॉर्म करते थे, लेकिन
उनकी जो विचारधाराएं थी वो कह सकते हैं वुमेन के लिए उतना उन्होंने वेलफेयर का काम नहीं किया, और उनका कहना था कि अगर हमें महिलाओं के लिए कोई कानून बनाना तो हमारा देश है, हमें अपने देश की समस्याएं पता है और हम कानून बनाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन होती है हमारे देश की समस्याओं के लिए कानून बनाने के लिए। तो दोनों की विचारधारा में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो एक डिस्प्यूट यहाँ पर कंसेंट एज बिल जो आता है उसको लेके भी गोखले जी और तिलक के बीच में आपको, तिलक जी के बीच में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 1905 में बनारस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है उसकी प्रेसिडेंसी भी गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास होती है। ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ INC इन 1905 इन बनारस सेशन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। जैसे कि इनके हमने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले जी एक शानदार इकोनॉमिस्ट भी थे, तो इन्होंने जो सरप्लस बजट होता है उसके ऊपर भी इन्होंने बातें की हैं, और सरप्लस बजट जो कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ, तो उसकी भी इन्होंने आलोचना की है, क्रिटिसाइज़ किया है कि यार हमारा जो सरप्लस बजट है वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, ना कि आप इस बचे हुए पैसे को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटेन में भेज दो, या आपके जो खर्चे हैं या रेलवे का जो रेवेन्यू है आप उसमें उसे खर्चा करो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट आता है तो आप इसे हमारे लोगों के बीच में खर्च करो। तो इस सरप्लस बजट की भी आलोचना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरप्लस बजट क्या होता है, तो देखिएगा तीन प्रकार के यहाँ पे बजट की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। बजट तो समझते हो ना, जैसे कि घर में मम्मियों का काम होता है कि घर में बजट को मेंटेन करना, कि जितना सैलरी आया है उसमें से आपको कितना यूटिलाइज करना और घर का खर्चा चलाना है, तो आपके जो इनकम और आउटकम है किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो वही आपका एक तरीके से बजट होता है। तो सरकार का भी एक बजट होता है, सरकार को भी अलग अलग सोर्सेज से जो है वो टैक्स वगैरह मिलते हैं और सरकार के पास भी अच्छा खासा पैसा होता है। ठीक है, अगर सरकार ज़्यादा जितना उनके पास पैसा आया है उससे ज़्यादा खर्च कर दे, हमारे पास 100 रुपये हैं और हम 200 रुपये खर्च कर दे तो हम 100 रुपये घाटे में चले जाएंगे ना, तो इस घाटे को आप क्या बोलते हो, डेफिसिट बजट बोलते हो। मतलब जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रेवेन्यू से तो उसे हम जो है वो डेफिसिट बजट कहते हैं, घाटा कहते हैं। बैलेंस बजट मतलब 100 रुपये आए थे, 100 रुपये खर्च किए, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस बजट मतलब एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू। अब सरप्लस बजट क्या होता है, आपके रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है, आपका रेवेन्यू 200 रुपये जनरेट हुआ है और आपने 100 रुपये वेलफेयर में लगाए हैं, तो ये जो एडिशनल 100 रुपये बचे हैं यही आपका सरप्लस कहलाता है। तो ये जो बचा हुआ सरप्लस है ये आप भारत के लोगों के लिए खर्च करो, तो ये लोग ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इसको ब्रिटेन भेज देते थे। तो इस बात की आलोचना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है, तो आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि गोखले जी और तिलक जी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर रहे हैं 20th सेंचुरी में इंडिया में, लेकिन बस इनकी आइडियोलॉजी में डिफर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, 1907 के सूरत सेशन में। 1907 के सूरत सेशन में दो गुट होते हैं, एक नरम दल है और एक गरम दल है। नरम दल के लीडर चाहते हैं कि जो रस बिहारी घोष जी हैं वो कांग्रेस की प्रेसिडेंसी को संभालें, वहीं बाल गंगाधर तिलक जी चाहते हैं कि लाला लाजपत राय जी जो है वो प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस को होल्ड करें। इसके अलावा गरम दल के लीडर चाहते हैं कि जो कांग्रेस का सेशन है वो नागपुर में हो, और नरम दल के लोग चाहते हैं कि सूरत में ये सेशन हो। तो फाइनली सूरत में ये सेशन होता है, और इस सेशन की प्रेसिडेंसी किसके पास आती है, रस बिहारी घोष जी के पास आती है। तो यहीं से होता है कांग्रेस का स्प्लिट, और कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बट जाती है। इसे हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, जो कि 1907 में होता है। कुछ इतिहासकारों का ये मानना होता है कि उस समय स्प्लिट नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि हमारी आज़ादी थोड़ी और नज़दीक होती, हम और जल्दी आज़ादी प्राप्त कर लेते, ऐसा हिस्टोरियन का मानना है। ठीक, इतनी चीज़ें। चलिए अगली बात करते हैं। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ सार्वजनिक सभा जनरल स्टार्टेड बाय द गोविंद रनाडे। तो MG रनाडे के द्वारा एक सार्वजनिक सभा जनरल की शुरुआत की गई थी, उसके साथ एसोसिएटेड थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को भी सेटअप किया गया था। इनके द्वारा एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया जाता था जिसका नाम है द हितवदा पीपल्स पेपर। ये भी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी मैं बता देती हूँ। ये जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर है हितवदा, ये 1911 में फॉर्म हुआ था, 1911 में इसे फॉर्म किया गया था। ठीक है, वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा नागपुर में इसकी शुरुआत की गई थी, नागपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद इस कंपनी को, मतलब इस न्यूज़पेपर एजेंसी को टेक ओवर किसने कर लिया, पुरोहित एंड कंपनी के द्वारा। मतलब इसके ओनर अब जो हैं वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, जो कि फॉर्मर BJP MP भी हैं नागपुर से। तो बनवारी लाल पुरोहित जी जो है वो अब इस न्यूज़पेपर एजेंसी को होल्ड करते हैं, इसके ओनर हैं, इस बात को समझना है। गोखले जी के द्वारा दो और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे, एक है महारत्न और दूसरा है ज्ञान प्रकाश। ठीक है,
चलिए अब गोखले जी और गांधी जी की कहानी हम समझते हैं। हालांकि गोखले जी की पहली मुलाकात गांधी जी से 1895-1896 के आसपास होती है, लेकिन जब भी साउथ अफ्रीका जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे होती है, 1912 में महात्मा गांधी जी से होती है। और महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी से बड़े प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को पॉलिटिकल करियर बनाने में, पॉलिटिकल करियर शुरू करने में मदद किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ही की गई है। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के और मोहम्मद अली जिन्ना के दोनों के ही मेंटर हैं, दोनों के ही पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। दोनों ही बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले जी की विचारधाराओं से काफी इन्फ्लुएंस थे, काफी इंस्पायर थे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि अगर मैं मुस्लिम गोखले बन पाऊं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वयं कही है। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई है। इसके बाद जब महात्मा गांधी जी वापस भारत आते हैं और भारत आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी उन्हें बोलते हैं कि अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं और भारत के लिए एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले तीसरे दर्जे की जो ट्रेन का डब्बा है उसमें आप पूरे भारत की यात्रा कीजिए, ठीक है, और भारत के लोगों की समस्याओं को समझिए। क्योंकि कोई भी बुक, कोई भी व्यक्ति आपको भारत की समस्या तब तक नहीं समझा पाएगा तब तक आप उसे कुछ फील नहीं करेंगे। तो आपको पूरे देश की यात्रा करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं भारत, तो सबसे पहले वो पूरे भारत की यात्रा करते हैं। तो ये सजेशन उन्हें किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि एक शानदार गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। आइए अब इनके निधन के बारे में बात करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का निधन 19 फरवरी 1915 को हो जाता है। 19 फरवरी 1915 को हमारे देश का एक शानदार लीडर, उनका निधन हो जाता है, वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि फ्रॉम द स्टार्टिंग गोखले जी और तिलक जी की आइडियोलॉजी में काफ़ी डिफर था, लेकिन जब इनकी डेथ होती है तो तिलक जी अपने जो एडिटोरियल केसरी पब्लिश होता था उसमें गोखले जी को ट्रिब्यूट या रिस्पेक्ट भी देते हैं। गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं और गांधी जी से एक पत्रकार पूछते हैं कि आप गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में क्या सोचते हैं, आप बताइए। तो गांधी जी कहते हैं कि वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर जो पर्सन उनकी लाइफ में है वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। वो एकदम प्योर हैं एज अ क्रिस्टल, जैसे कि भेड़ का बछड़ा होता है, भेड़ का जो बच्चा होता है एकदम प्योर हार्ट जेंटल, उतने ही सहज स्वभाव के थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, लेकिन शेर की तरह बहादुर थे, ठीक है, और अपनी विचारधाराओं के लिए प्रतिबद्ध थे। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने गोखले जी को अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी डिफाइन किया है, ठीक है। साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी काफ़ी इंस्पायर थे गोखले जी से, इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर मैं एक मुस्लिम गोखले बन पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रसिद्धि होगा, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है। तो ये बात भी हमको देखने को मिलती है। तो ये कुछ बातें थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब इनका निधन हो जाता है तो इनकी जो मृत्यु सैया होती है वहाँ पर तिलक जी आते हैं और तिलक जी कहते हैं कि ये महानायक हैं। मैं बता देती हूँ उनका स्टेटमेंट भी आपको, वन सेकेंड। तिलक जी कहते हैं कि गोखले जी भारत के हीरे हैं, महाराष्ट्र का लाल हैं, कार्यकर्ताओं के राजा हैं और सभी लोगों को इनका अनुसरण करना चाहिए। ये बात भी गोखले जी के बारे में तिलक जी ने कही है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब दो क्वेश्चन हैं, यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है पहला। तो हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज द एक्सेप्ट अ पोजिशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से बैकआउट किया था, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने नाइटहुड के टाइटल को रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए, आप तो एजुकेशन के लिए बिल लाओ, आप तो फार्मर्स के लिए रिफॉर्म करो, ठीक है, हमको तो बस यही चाहिए, हमको आपकी कोई उपाधियाँ नहीं चाहिए। तो किसने रिफ्यूज किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो पॉलिटिकल लीडर, वो इंडियन फिगर रहे हैं जिन्होंने नाइटहुड की टाइटल को ठुकरा दिया था। तो ये प्रश्न जो है वो 2008 में पूछा गया है, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो चेंजेस, जो कि जिसका क्रेडिट जो है वो किसे दिया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को दिया जाता है। तो चार बातें लिखी हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला लिखा है इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया था। मुस्लिम हैव देयर ओन इलेक्ट्रेट, तो इस बिल के जरिए जो है वो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्शन की सुविधा दी गई थी। दलित हैव सीट रिजर्व इन द प्रोविंसियल असेंबली, तो दलितों के लिए लेकर यहाँ पे मार्ले मिंटो रिफॉर्म में कोई बातें नहीं की गई, मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो गलत था।
चौथा है एजुकेशन प्रमोशन। एजुकेशन सेक्टर पे भी कोई ध्यान मार्ले मिंटो रिफॉर्म में नहीं दिया गया था। तो मतलब तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, बट पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वो कुछ बातें देख सकते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म की, जहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट है वो 16 से 60 मेंबर यहाँ पे कर दिए जाएँ। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंस की, इसमें 50 मेंबर हर एक रीजन में हो। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है पंजाब, बर्मा और असम की, वहाँ पे 30 मेंबर हर एक में हो। ये बात यहाँ पे मार्ले मिंटो रिफॉर्म में की गई थी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है उसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है, और ये मॉडरेट के कारण इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पर सेपरेट इलेक्शन की बात जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए की गई थी। तो आप लॉर्ड मिंटो को कह सकते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट इन इंडिया, इलेक्ट्रोड इन इंडिया। तो जो हमारा बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। अच्छा, स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है आपको, इनको आप जानते हैं क्या? ये है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र पी सिन्हा। ये फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द विजरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ बातें थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म की। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इन ब्रिटिश इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। चार बातें लिखी गई हैं, इनमें से जो आपको सही लगती हैं वो आप हमें कमेंट में बता देना। ओके, तो हम मिलते हैं कुछ ऐसे नई हिस्टोरिकल फिगर के साथ, फ्रीडम फाइटर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।